अभिषेक कुमार ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग. वेल डन. आदर्श भरद्वाज इंजीनियरिंग साइंस 4 AIR. और जब तक मैं बताऊंगा नहीं कोई ध्यान से पढ़ के जब तक टाइमर आउट ना हो जाए तब तक आंसर नहीं देना. ये याद है ना बाउंड्री लेयर का. ध्यान से देखना बाउंड्री लेयर का डिफरेंस. बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है. देखो यहाँ जीरो है और यहाँ यहाँ पर ये एसिम्प्टोटिक लिमिट है ना, ये यू इन्फिनिटी है. ठीक है ना. तो ये अब देखो ये डिस्टेंस पे ये धीरे 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 क्या जाएगा इसको जाके मिलता है. ऐसे होता है ना. तो ये जो है बाउंड्री लेयर थिकनेस है डेल्टा. तो हम लोग देखो होता क्या है एट वाई इक्वल्स टू डेल्टा. ये जो बाहर वेलोसिटी है दैट इज यू इन्फिनिटी. तो यू इक्वल्स टू क्या होगा 0.99 टाइम्स यू इन्फिनिटी. ठीक है ना. क्लियर है. लेकिन सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैं 0.9 को क्या ले लेता हूं. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वी टेक वैल्यू ऑफ वैल्यू y इक्वल्स टू डेल्टा. कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं u इक्वल्स टू यू इन्फिनिटी. लेकिन बाई डेफिनेशन क्या है, बाई डेफिनेशन क्या है 0.99 टाइम्स y इक्वल्स टू डेल्टा u इज इक्वल टू 0.99 टाइम्स u इन्फिनिटी 99%. ठीक है ना. ओके देखो डिस्प्ले. तुमने एक एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा होगा ना. मान लो ये एक बाउंड्री लेयर है, ये एक फ्लैट प्लेट है. ठीक है. ठीक. यहां इनकमिंग फ्लो तो यूनिफॉर्म ही होगा. अच्छा अब बाउंड्री लेयर बनेगा, इसके ऊपर बाउंड्री लेयर बनेगा और ऐसे ग्रो करेगा. ठीक है ना. अब ध्यान से देखना. मान लो ये डिस्टेंस में पकड़ लेता हूं. मान लो मैं एक स्ट्रीम लाइन यहां पर लेता हूं. ठीक है. ये एक स्ट्रीम लाइन यहाँ पे. पहली बात तुम्हारे समझने वाली ये है जो स्ट्रीम मान लो ये मैं कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूं ऐसे. ठीक है. जो मैं स्ट्रीम लाइन यहां से लूंगा, देखो एक एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना वो ये है क्या ये सरफेस को मैं एक स्ट्रीम लाइन मान सकता हूं. ये क्या ये सरफेस मेरा एक स्ट्रीम लाइन है. इज दिस अ स्ट्रीम लाइन, यस और नो. भाई स्ट्रीम लाइन से कोई भी फ्लूड पार करके नहीं जा सकता और यहां से भी कोई फ्लूड पार करके नहीं जा सकता. है ना. अब दूसरा स्ट्रीम लाइन. अब देखो ये स्ट्रीम लाइन हमेशा सरफेस से दूर भागता है. ठीक है ना. दूसरा स्ट्रीम लाइन कारण देखो, अगर आपने एक दूसरा स्ट्रीम लाइन लिया, कौन सा दूसरा स्ट्रीम लाइन, ये है ना. अब इनके बीच में मास फ्लो रेट है, कुछ मास फ्लो रेट है. लेकिन अगर सेम क्रॉस सेक्शन पे यहां मास फ्लो रेट देखोगे, आपका मास फ्लो रेट कम है क्योंकि वेलोसिटी कम है, एरिया तो वही है, वेलोसिटी यहां कम है. तो जो बचा हुआ मास फ्लो रेट है उसको कंपनसेट करने के लिए स्ट्रीम लाइन दूर शिफ्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डेल्टा स्टार. कितना शिफ्ट होगा, डेल्टा स्टार. क्यों, दो स्ट्रीम
दो स्ट्रीम लाइन के बीच में मास फ्लो रेट सेम रहता है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, दो स्ट्रीम लाइन के बीच में मास फ्लो रेट सेम रहता है, दो स्ट्रीम लाइन के बीच में मास फ्लो रेट सेम रहता है ना, तो यहां पे मास फ्लो रेट और यहां पे मास फ्लो रेट सेम रहना है, यहां कम है तो उसको कंपनसेट यहां से किया जाएगा। ये स्ट्रीम लाइन किसी पॉइंट पे सरफेस से जितना दूर शिफ्ट हो जाएगा उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है ना, अब ध्यान दो, अब तुम्हें ये समझ में आएगा, अगर ये समझ में आ गया, कोई पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल P1 यहां पे है, जब मूव करेगा तो स्टडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग ही मूव करे ना, वो यहां आ गया, तो भैया बाउंड्री से दूर कितना शिफ्ट हो गया, भाई बाउंड्री ये यहां पे था, अगर सीधा जाता तो बाउंड्री से सेम डिस्टेंस पे है, बट ये स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग जाएगा तो इस बाउंड्री से कितना दूर शिफ्ट हो गया, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। समझ में आया ये बात, देखो टू डायमेंशनल बाउंड्री लेयर के अंदर याद करो, कॉपी अपनी खोल के रखो, ठीक है ना, कॉपी खोल के रखो, देखो ये बाउंड्री लेयर बना था ना, अब ध्यान से देखना, फ्लो के डायरेक्शन को मैं एक्स बोलता हूं, फ्लो के डायरेक्शन को मैं एक्स बोलता हूं, क्या बोलता हूं, फ्लो के डायरेक्शन को एक्स और फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन को वाई, ठीक है ना, तो याद करो जब मैंने इक्वेशन लिखा होगा कौन सा, प्रांटल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन, तो उसमें डेल पी बाई डेल वाई जीरो लिया था, सिर्फ डेल पी बाई डेल एक्स ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो भैया दोनों प्रेशर ग्रेडियंट ने, ये ट्रांसवर्स प्रेशर ग्रेडियंट ना, वाई डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन है ना, तो भैया ट्रांसवर्स प्रेशर ग्रेडियंट किसी काम का नहीं होता, वी एज्यूम इट टू बी जीरो, ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फ्लो सेपरेशन शुभम, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फ्लो सेपरेशन, जो प्रांटल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन लिखा गया होगा वो ये होगा, याद है, अच्छा तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है ना, ओके चलो देखो ध्यान से देखो, जब भी आप बाउंड्री लेयर का डिस्कशन करते हो, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्स है, ये वाई है, तो बाउंड्री लेयर इक्वेशन क्या होता है, यहां पे वेलोसिटी जीरो होगा, दिस इज वाई इक्वल्स टू जीरो ना, तो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू जीरो पे यू इक्वल्स टू जीरो है ना, एट वाई इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी यू इन्फिनिटी, यहां पे क्या है, कैपिटल यू मान लो, यू इज इक्वल टू कैपिटल यू, और थर्ड क्या होगा, एट वाई इक्वल्स टू डेल्टा, यहां पे ये ऐसे भी हो जाता है ना, एसिम्प्टोटिक हो जाता है ना, वर्टिकल, डेल यू बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, जीरो, तीन बाउंड्री कंडीशन आपको लगाना है, अब इसमें लगा दो ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, ये कांस्टेंट निकालना तुमसे पूछ सकता है, तो बहुत लोगों को तो याद होगा सीधे सीधे, यू इक्वल्स टू ए साइन बी वाई प्लस सी, तीन कांस्टेंट निकालना है,
देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल्स टू, सबसे पहले ये वाला बाउंड्री कंडीशन लगाओ, कौन सा y इक्वल्स टू जीरो पे u इक्वल्स टू जीरो, है ना। जब y इक्वल्स टू जीरो पे u इक्वल्स टू जीरो, तो u जीरो है, a साइन b y भी जीरो है, प्लस c, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये जीरो है और ये साइन जीरो इज जीरो, तो c इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, तो c इक्वल्स टू जीरो आ गया। सेकेंड, दिस इज फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, एट y इक्वल्स टू डेल्टा u इज इक्वल टू कैपिटल u, तो c तो आ गया आपका जीरो, ठीक है ना, उसको जान दो, तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल u, और a b इक्वल्स टू डेल्टा, है ना। अच्छा, और दूसरा चीज है, थर्ड, एट y इक्वल्स टू डेल्टा डेल u बाई डेल y इज जीरो, की लेके चल गया इतने आके भेजा, डेल यू बाई डेल वाई इज जीरो, तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई क्या आएगा, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, ए इंटू बी कॉस बी वाई, है ना। तो डेल यू बाई डेल वाई जीरो है ना, ये अब ए इंटू बी तो जीरो हो नहीं सकता, कॉस ही जीरो होगा, है ना, कॉस बी, अब ध्यान से देखना ये बात को भैया, ये तो जीरो नहीं हो सकता ना, ए और बी जीरो हो गया तो काम ही खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉस बी वाई जीरो है आपका, और बी की वाई की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा, कॉस बी डेल्टा जीरो है, इसका मतलब b डेल्टा का जो वैल्यू है ये पाई बाई टू है, है ना, तो यहां से आपका b क्या आ जाएगा, b विल बी सिंपली पाई बाई टू डेल्टा, ये आ जाएगा ना। है ना, अच्छा अब ये वापस यहां पे पुट कर लो फर्स्ट वाले में, b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू यहाँ देखो पाई बाई टू डेल्टा आ गया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से सीधा आपका a आ जाएगा कैपिटल u, है ना, तो वैल्यू क्या आ गया इसमें, ध्यान से देखो वैल्यू क्या आया, c का वैल्यू तो आया है जीरो, ठीक है, b का वैल्यू क्या आया है, पाई बाई टू बाई डेल्टा, है ना, ठीक है, क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट करो, देखो सेम इक्वेशन लगेगा इसके लिए, तो सेम बाउंड्री कंडीशन लगेगा ना, वाई इक्वल्स टू जीरो एट पे u इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू डेल्टा पे u इक्वल्स टू ठीक है ना। अच्छा ये निकाला भी होगा, कितना वैल्यू आया है इसका, ए जीरो बी टू सी माइनस वन, यही ना। अच्छा ध्यान रहे, जब आप इस फॉर्मेट में लिखते हो, वॉल शियर स्ट्रेस क्या होता है,
म्यू डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू जीरो, यही होता है ना? हमेशा जो के का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, के का वैल्यू वाई बाई डेल्टा का कोफिशियंट होता है, ये बात तो समझ में आया ना? ध्यान से देखो, ये पुट करके वैल्यू निकालोगे तो जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, वाई बाई डेल्टा माइनस टू वाई बाई डेल्टा माइनस वाई बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। यहाँ पे वॉल शेयर स्ट्रेस निकालो, वॉल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना? म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू इन्फिनिटी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू इन्फिनिटी हो गया, इधर चला गया ना। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई डेल्टा माइनस y, 2 वाई बाई डेल्टा स्क्वायर और ऑल दीज वैल्यूज एट y इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, ये टू आया ना, तो कायदे से ये क्या है, वाई बाई डेल्टा का कोफिशियंट ही है, तो वाई बाई डेल्टा का कोफिशियंट है ना बी टू, तो के का वैल्यू क्या आएगा, टू आएगा। क्लियर है यहां तक? में दिया है कैलकुलेट द फ्रिक्शन ड्रैग फॉर अ फ्लैट प्लेट 15 सेंटीमीटर वाइड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये प्लेट है, ऐसे रखा हुआ है, कितना लॉन्ग है ये, हाउ लॉन्ग इज दिस, फोर्टी फाइव सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले ये x इज इक्वल टू जीरो है, अगर ये x इज इक्वल टू जीरो है तो ये x इज इक्वल टू 0.45 है ना। बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालना है, ठीक है, और वो भी ट्रेलिंग एज। तो ये आपका हो गया लीडिंग एज, हो गया लीडिंग एज और ये हो गया ट्रेलिंग एज। ठीक है, ये लीडिंग वो ट्रेलिंग, ठीक है, ओके। अगर ये लीडिंग ट्रेलिंग हो गया तो सबसे पहले आप क्या करें, रेनॉल्ड्स नंबर निकालो। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखो क्या क्या दिया है, रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ पे निकालना है, ट्रेलिंग एज पे, क्योंकि सारा वैल्यू वहीं पे चाहिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है तो का, और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इन्फिनिटी एक्स बाई म्यू। जब बताओ रेनॉल्ड्स नंबर कहाँ पे, एक्स का वैल्यू क्या रखना है, ये वाला ट्रेलिंग एज पे। थ्री इंटू 10^4 मतलब ये चीज सबको जाहिर हो गया कि ये जो वैल्यू है 5 × 10^5 से कम है। तो फ्लो कैसा है भाई, व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इट इज, फ्लो कैसा है, लैमिनार फ्लो, कैसा फ्लो है, फ्लो इज लैमिनार, ओके। ये तो बहुत बड़ा खजाना पता लग गया, फ्लो इज लैमिनार। और जब फ्लो इज लैमिनार तो वी ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट द वॉल शेयर स्ट्रेस बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो भैया डेल्टा निकालो, डेल्टा क्या, कौन सा रिलेशन यूज करोगे, 5x / √rex
लेकिन ध्यान रहे ये कहाँ पे, एट द ट्रेलिंग एज व्हाट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स एक्स वैल्यू विल बी 0.45 मीटर एट द ट्रेलिंग एज, है ना। और रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कहाँ पे, ट्रेलिंग एज पे, कहाँ पे, ट्रेलिंग एज पे जो ऊपर निकाला था, ठीक है ना। तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ये कहाँ पे आएगा, ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज पे कितना वैल्यू आएगा डेल्टा का बता दो यहाँ पे, मीटर में, एमएम में, व्हाटएवर इट इज। एट द ट्रेलिंग एज, ओके। अच्छा वॉल शेयर स्ट्रेस, देखो क्या कोई वेलोसिटी प्रोफाइल का जिक्र है, नहीं। लैमिनार फ्लो है, वेलोसिटी प्रोफाइल इज मेंशनड और नॉट, वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन और नॉट, इज गिवन और नॉट, वेलोसिटी प्रोफाइल इज गिवन और नॉट, इट्स नॉट गिवन, नॉट। सो व्हाट टू डू भैया, जब वेलोसिटी प्रोफाइल दिया नहीं होता है तो हम सी एफ एक्स का वैल्यू ये यूज करते हैं 0.664 बाई रूट आर ई एक्स, ठीक है ना। और सी एफ एक्स को लिखने का भैया एक दूसरा भी तरीका है, वॉल शेयर स्ट्रेस, लोकल वॉल शेयर स्ट्रेस बाई 1/2 रो यू इंफिनिटी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.664 बाई रूट आर ई एक्स, ठीक है ना। और यहां से वॉल शेयर स्ट्रेस आप खटाक से निकाल सकते हो, वॉल शेयर स्ट्रेस आप खटाक से निकाल सकते हो, क्या होगा 0.664 बाई रूट आर ई एक्स इंटू क्या आएगा 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, और यहां से वॉल शेयर स्ट्रेस वैल्यू सारा पुट कर दो। लेकिन ध्यान रहे कहां पे चाहिए वॉल शेयर स्ट्रेस, ट्रेलिंग एज, कहां पे चाहिए, ट्रेलिंग एज, तो सारा डाटा भी ट्रेलिंग एज का, ये कहां पे, ट्रेलिंग एज, ठीक है ना। बाकी रो यू इनफिनिटी स्क्वायर है तो बता दो, रेनॉल्ड्स नंबर एट द ट्रेलिंग एज, हाँ 63.8। और क्या पूछा है, और कुछ पूछा है, ठीक है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, है ना, सबके लिए बात क्लियर हो गया। कितना वैल्यू आया, अच्छा अब देखो इसमें क्या है, स्मूथ प्लेट है जिसका विड्थ दी है 2 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना, जिसका रिलेटिव डेंसिटी ये है 1.5 मीटर पर सेकंड लेंथ, ठीक है ना, ये वेलोसिटी से खींचा गया है। अब प्लेट को खींचा जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्लेट है, ठीक है,
और तुम्हें निकालना क्या है, वॉल शियर बाउंड्री लेयर एंड शियर स्ट्रेस निकालना है, कहां पे, सेंटर पे और ट्रेलिंग एज पे। तो ये बाउंड्री लेयर मान लो ये x इक्वल टू जीरो है और ये 2.5 मीटर लॉन्ग है, तो ये x इक्वल टू 2.5 मीटर है। बाउंड्री लेयर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। सेंटर पे निकालना है तुम्हें, तो यहां पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर, ठीक है ना। तो यहां पे पहले तो सेंटर पे निकालो, सेंटर पे रेनॉल्ड्स नंबर कितना है, बार बार रेनॉल्ड्स नंबर कितना आएगा, अट्ठारह हजार 750 ना, वेल बिलो दी लैमिनार रेंज, ठीक है, वेल बिलो दी 5 × 10^5, है ना। तो भैया यहां से बाउंड्री लेयर थिकनेस निकाल लो, ये मिड मिड जहां पे निकालना हो वही एक्स का वैल्यू, तो मिड पे निकालना, तो एक्स का वैल्यू कितना रखोगे, 1.25, और रेनॉल्ड नंबर भी वहां वहीं पे, तो कितने कितने एमएम आएगा बता दो, कितना है 45.25 वॉल शियर स्ट्रेस का क्या होगा भैया, वॉल शियर स्ट्रेस वेलोसिटी प्रोफाइल मेंशन है क्वेश्चन में, वेलोसिटी प्रोफाइल का जिक्र है, नहीं जिक्र है तो क्या क्या, क्या करोगे, सी एफ एक्स इंटू 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर, व्हाट इज द सी एफ वैल्यू ऑफ सी एफ एक्स, 0.664 बाई रूट आर ई एक्स इंटू रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर बाई टू, यहां से वॉल शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। फोर पॉइंट
3-6 ठीक है, शियर स्ट्रेस इज 4.36 पास्कल, डेल्टा इज 4.56। इज इट 45? हाँ ठीक है, ठीक है। नाउ यू कैन चेक एट द ट्रेलिंग एज, बी पार्ट इज एट द ट्रेलिंग एज। और ये बात मार के ले जाना, फिर रोगा नहीं, बांध देना, ठीक है ना। ट्रेलिंग एज मतलब 2.5 मीटर है ना, तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ जा इससे बजा के, हाँ बस बस छाड़ दे छाड़ दे, इतने आ जा, इतने बजे आ गए, इतने आ जा, इतने आ जा, इतने आ जा, थ्री 7 5 0 लेस देन 5 × 10⁵। अगेन वही लगेगा, 5x/√re(x) लैमिनार है ना। अब ट्रेलिंग एज पे सारा वैल्यू रखना है, हौली हौली दिखा खड़े नहीं लगना इन्हें, डेल्टा कितने एमएम आएगा जरा बताओ, सिमिलरली वॉल शेयर स्ट्रेस निकाल लो। देखो बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा आया होगा और शियर स्ट्रेस कम आया होगा, ठीक है ना। अब देखो ड्रैग फोर्स है, आप प्लेट ऐसे खींच रहे हो, अब पावर पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ये प्लेट है, इसको फ्लूइड में खींच रहे हो, ठीक है ना। तो बाउंड्री लेयर इधर भी बनेगा, बाउंड्री लेयर ऊपर वाली साइड में ऐसे भी बनेगा और बाउंड्री लेयर ऐसे भी बनेगा, दो बाउंड्री लेयर बनेगा ना। तो भैया जब ड्रैग फोर्स निकाल रहे होगे ना, ड्रैग फोर्स पता है लैमिनार फ्लो है तो क्या है, सी एफ एल एवरेज 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू एरिया। अब एरिया एक साइड का जब आप लोगे तो ये क्या है, 2 मीटर × 2.5 मीटर है ना, 2 मीटर × 2.5 मीटर है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना एरिया। अब ध्यान से देखना एरिया क्या होगा, ड्रैग फोर्स निकाल लो। अच्छा जब एवरेज लिखते हो तो 1.664 था ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो
तो 1.328 आएगा डिवाइड बाई अंडर रूट रेनॉल्ड्स नंबर, ये कहाँ पे रहेगा एट द एंड, जहां तक आपको एवरेज निकालना आखिरी में लिखते हैं वैल्यू, 1/2 रो यू इनफिनिटी स्क्वायर। अब देखो एरिया क्या होगा, बोथ साइड निकालना पड़ेगा, 2 × 2.5 मीटर एक साइड का एरिया है, दिस मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस इज एरिया फॉर बोथ साइड, बोथ साइड ड्रैग फोर्स आ जाएगा। जैसे ही आपका ड्रैग फोर्स का वैल्यू आता है तुरंत आप पावर निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद यू कैन फाइंड आउट पावर बाय मल्टीप्लाइंग ड्रैग फोर्स विद वेलोसिटी, वॉट या किलो वॉट जो भी है। नहीं हाँ, ड्रैग फोर्स इज 61.72। चलो देखो वॉल ध्यान से देखना, मान लो फ्लैट प्लेट है और पूरी प्लेट पे जो फ्लो है वो लैमिनार है, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो वो आपका वॉल शेयर स्ट्रेस कैसे वैरी करता है, नहीं वैरी करता ना, डिक्रीज करता है ना ऐसे। तो भैया अगर कोई पॉइंट, देखो ध्यान से, जो पॉइंट दूर है, दूर कौन सा पॉइंट है, एक्स टू बी मोर देन एक्स वन, ठीक है, देखो ये वन है, ये पॉइंट वन है और ये टू है, ठीक, तो यहां पे ज्यादा होगा वॉल शेयर स्ट्रेस, यहां पे कम होगा, यही तो एक्स वन है एक्स टू, तो अगर एक्स टू आपका एक्स वन से ज्यादा है तो वॉल शेयर स्ट्रेस कहां पे ज्यादा होगा, वन पे, और ध्यान रहे दोनों जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्लियर है ना, ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बाउंड्री लेयर वॉल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ड्रैग, अगर ये ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन, अगर ये जो प्लेट है इसको दो हिस्सों में बांट दूं मैं, ये जो प्लेट है इसको दो हिस्सों में बांट दूं कैसे, यहां से आधा, ये एल बाई टू लेंथ का है, आधा प्लेट पहला और ये फर्स्ट हाफ एंड लेटर हाफ है ना, दिस इज फ्रंट हाफ, दोनों में ड्रैग फोर्स का वैल्यू सेम होगा या अलग अलग होगा, बताओ, कौन सा ज्यादा होगा, अगर मैं इसको लिखता हूं F1, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं फ्रंट हाफ वाले को लिखता हूं F1
और दूसरे को लिखता हूँ एफ टू, तो एफ वन और एफ टू में कौन सा ज्यादा होगा? ये तो समझ में आ गया कि एफ वन प्लस एफ टू क्या होगा, एफ वन प्लस एफ टू होगा एफ, और एफ वन और एफ टू में कौन ज्यादा होगा? एफ वन ज्यादा होगा। अब तुम्हें इसी का रेशियो निकालना है। कौन सा आंसर है? व्हाट द आंसर ब्रो? डी। वही तो है जो मैं बता रहा था, एक से बड़ा होगा ना, फ्रंट हाफ में हमेशा ज्यादा होता है। एफ वन बाई एफ टू इज मोर देन वन, और उसी को जिसने क्या लिख दिया एफ, ठीक है ना? बी। अच्छा, इस वेलोसिटी प्रोफाइल के तुम्हें याद होगा ना, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यही होता है। इसको इंटीग्रेट करोगे ये आएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दो, अगर ये लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल होगी, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल को तो समझते हो ना, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है, या ये पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल होती? तो इसके लिए डेल्टा स्टार बाई डेल्टा का वैल्यू क्या होता? लीनियर के लिए क्या होता? वन बाई टू, और पैराबोलिक के लिए 1/3, और क्यूबिक के लिए, क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल पता है ना? और क्वार्टिक के लिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए,
एक बाई क्वाड्रेटिक भी तो होता है। बाई क्वाड्रेटिक यही होता है ना, क्या होगा डेल्टा स्टार बाय डेल्टा। थ्री बाय टेन अगर देखो ये एक स्ट्रीम लाइन है, हमने पहले बात किया था दिस इज अ स्ट्रीम लाइन है ना, अगर यहाँ से एक स्ट्रीम लाइन भेजोगे तो वो कहाँ से जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा स्टार के बराबर है ना। और ये पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है तो हमें पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल के पता है कि डेल्टा स्टार बाई डेल्टा का जो रेशियो दैट इज 1/2 सॉरी 1/3 ठीक है ना। अब देखो एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये तो एक स्ट्रीम लाइन है, ये एक स्ट्रीम लाइन है ठीक है ना, तो यहाँ से कोई डिस्चार्ज होगा नहीं, यहाँ से मास फ्लो रेट जो बाहर जाएगा या यहाँ से जो बाहर जा रहा है वो सेम अमाउंट यहाँ से बाहर जाएगा। अब यहाँ से कितना बाहर जाएगा, इस पूरे का एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना इसका विड्थ कितना दिया है, जो भी दिया है मान लो बी है ठीक है ना। अब ध्यान से देखना इतने से जो मास फ्लो रेट होगा वही है MBD M.BD है ना। अब देखो ध्यान से देखना ये क्या है, डेल्टा स्टार इंटू बी है ना इंटू वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया डिस्चार्ज, ये डेल्टा स्टार है ठीक है ना, और बी इंटू रो ये हो गया मास फ्लो रेट डिवाइड बाई वो देखो क्या है, देखो ये एरिया हो गया वहां पे डेल्टा इंटू बी इंटू रो डिस्चार्ज हो गया इंटू रो मास फ्लो रेट हो गया और डेल्टा स्टार बाई डेल्टा का वैल्यू यहां क्या है 1/3, तो ये आंसर आएगा 1/3। अभी तुम्हारे लिए क्या रिकमेंडेड है ये चीज ध्यान से देखना, जो पिछली बार ठीक है ना तुम फ्रंट से प्रैक्टिस चालू करो ठीक है। चलो ध्यान से देखना इसमें क्या निकाला, CF दिया, टोटल ड्रैग पूछा है ना, देखो टोटल ड्रैग क्या दिया है, एवरेज ड्रैग जो कि दिया है तुम्हें है ना इंटू 1/2 रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू एरिया। अच्छा इसका तुम्हें ड्रैग, यही ड्रैग कोफिशिएंट है, एरिया एरिया क्या आएगा ध्यान से देखना, लेंथ 2.5 मीटर है
और विड्थ कितना दिया है, पर यूनिट विड्थ है ना, तो 2 × 1 हो जाएगा। और दूसरी चीज देखो, रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लोगे ना, प्लेट के एंड में रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। टू कितना है, 2.5 मीटर, यहाँ पर ये प्लेट है, इसके एंड पे निकालना है। ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू 2.5 मीटर है, तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है आपको। ठीक है ना, पुट कर देना है ऊपर। नहीं भैया इतना नहीं आएगा, इतना ही आएगा, कितना वैल्यू आएगा इसका, कितना पॉइंट 0159 न्यूटन, ठीक है ना। तो पुराना जो कंटेंट है उसका यूज करके रिवीजन चालू कर दो, ठीक है ना। अब देखो, वॉल शियर स्ट्रेस पूछा है आपसे और वेलोसिटी दिया है, तो सिंपल सा बात है ना, वॉल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू 0। म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू इन्फिनिटी तो लिख लो, म्यू इन्फिनिटी इधर है लेफ्ट में, यहाँ नीचे है ना, तो इधर चला जाएगा। बाकी डिफरेंशिएट करो, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 3/2 डेल्टा माइनस 3/2 वाई स्क्वायर बाई डेल्टा क्यूब। ऑल दैट वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, ये टर्म चला जाएगा आपका। तो वॉल शेयर स्ट्रेस आपका क्या बचने वाला है, 3/2 म्यू यू इन्फिनिटी बाई डेल्टा। अब डेल्टा कहाँ पे निकालना, जहाँ पे वॉल शेयर स्ट्रेस चाहिए। देखो, वॉल शेयर स्ट्रेस कहाँ पे चाहिए, वॉल शेयर स्ट्रेस चाहिए एट द एक्स इक्वल टू 1 मीटर। तो इस फॉर्मूले से डेल्टा निकालो एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर और यहाँ पे पुट कर दो, है ना। आपको वॉल शियर स्ट्रेस कहां पे चाहिए, एक्स इक्वल टू 1 मीटर पे। तो मैं ले लें, ठीक है, ये निकाल लो। कितना आंसर आया, सी आंसर ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं, कल तक तुम्हारे लिए टारगेट क्या है,